हाय गाइस, वी आर बैक विद येट अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। आज हम अनबॉक्स करेंगे ऐसे गैजेट को तो यूज तो हम सब लोग करते हैं बट इसमें भी बहुत प्राइस और वेरिएशन आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिसॉल का एक्सपोन ONU 1200 Mbps वाईफाई राउटर। ये राउटर बहुत ही अमेजिंग है। वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो मोर अबाउट ऑल द अमेजिंग फीचर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस राउटर। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। डिजिसॉल वैसे एक मेड इन इंडिया ब्रांड है जो बहुत टाइम से राउटर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑप्शंस के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। And here is our router. Packaging तो बड़ी impressive है, red color के अंदर सारी चीजें। Box पे देख सकते हैं Digisol Xpon ONU router, first Indian brand in IT networking. 1200 Mbps wireless router with one PON, 2G LAN port and one FX port. Key features mention किए गए हैं, dual mode है आपको, 2.4 GHz, 5 GHz का bandwidth मिल सकता है dual band router के अंदर। एक voice port भी, इससे अपना landline phone connect कर सकते हैं और 3 साल की warranty मिल जाती है। ये router TEC certified है और made in India है। Digisol की seal मिल जाती है और यहाँ पे भी लिखा है 3 years warranty. पैकेजिंग बड़ी ही यूनिक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ट्राई कलर अपना ऑरेंज व्हाइट ग्रीन में मिल जाता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमें मैनुअल मिल जाता है डिजिसॉल का, वारंटी कार्ड मिल जाता है। इसके अंदर आप राउटर को कैसे कॉन्फिगर करेंगे, राउटर के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या सेटअप करने का प्रोसेस है वो आप पढ़ सकते हैं। एंड हियर यू गो, देयर इज अ राउटर। इसके अंदर 4 एंटेना दी गए हैं, एक पावर अडैप्टर है और लैन केबल भी दी गई है, RJ45 या ईथरनेट केबल के नाम से भी जानी जाती है। इसको साइड रख देते हैं। तो फर्स्ट लुक के अंदर पूरा वाइट एकदम इंप्रेसिव प्रीमियम राउटर है। डिजिसॉल की ब्रांडिंग दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, 5G है, लैन है, 2.4 GHz है, फोन है, वैन है, पावर है। इस राउटर में जैसे पॉन भी दिया गया है, तो पॉन मतलब जैसे अगर आप कभी आजकल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्शन लेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए 2 devices लेने पड़ते हैं, राउटर अलग से लेना पड़ता है और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन अलग से लेना पड़ता है एक डिवाइस। बट इस राउटर के अंदर एक पॉन पोर्ट दिया गया है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 devices आपका एक ही में काम हो जाता है। ऑरेंज कलर का ऑन एंड ऑफ बटन दिया गया है, DC 12 वॉट का इनपुट है, LAN 1, LAN 2 और एक FX पोर्ट है जो आपका टेलीफोन कनेक्ट करने में हेल्प करता है और PON पोर्ट है। 2 एंटेना दिए गए हैं, ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड वाले 5G एंटेनाज हैं और ये दोनों 2.4G एंटेनाज हैं। यहाँ पे आपको रीसेट का बटन दिया गया है पेयरिंग के लिए, वाईफाई के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, हम आगे ऑन करके बताएंगे आपको। राइट हैंड साइड के अंदर प्लेन है और पीछे इन्फॉर्मेशन दी गई है राउटर के लिए। देखते हैं डिजिसॉल मॉडल DG GR6821AC XPON ONU राउटर 2G 1 पोर्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। कितना पावर इनपुट डिफॉल्ट आईपी, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में बहुत हेल्प आएगा, 192.168.1.1 डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप सब कॉन्फ़िगर कर सकेंगे राउटर को। SSID दी गई है फॉर 2.4G एंड 5G और आपका डिफॉल्ट ONU का यूजर नेम एंड पासवर्ड भी दिया गया है। अगेन दिस राउटर इज मेड इन इंडिया एंड मैक पोर्ट दिया गया है विद द पॉन पोर्ट। वारंटी वॉइड है, सील टैम्पर नहीं करना है अगर आपको वारंटी क्लेम करनी हो इन एनी केस। आगे हम आपको राउटर को कनेक्ट करके बताएंगे, इसके अमेजिंग फीचर बताएंगे और स्पीड टेस्ट भी है टिल द एंड। Make sure to watch the video till the end for the speed test. Before we proceed to the setup, let's talk about the additional feature of this amazing router. Additional features में से आप जानते हैं, ये router dual band support करता है 2.4 and 5 GHz both, पर इसके अंदर dual mode ONU भी है, that is GPON और GPON दोनों mode को support करता है। International 802.11ac wireless standard को भी support करता है। This router is fully compatible with IEEE 802.3ah. इसमें plug and play support भी है, auto detection है, auto configuration है। इस router के अंदर आप port based rate limitation भी कर सकते हैं और loop detection भी कर सकते हैं। ये L3 फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, ड्यूल स्टैक बोथ IPv4 एंड IPv6 नेटवर्क से कंपैटिबल है, मल्टीपल SSID सपोर्ट भी है और NAT सपोर्ट और इंटरनल फायरवॉल फंक्शन भी मिल जाता है फॉर एडवांस साइबर सिक्योरिटी। इस राउटर में काफी ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि WPA एंड WPA2 नेटवर्क का इंक्रिप्शन भी मिल जाता है जो आपके नेटवर्क को एंटायरली सिक्योर रखता है और गेस्ट नेटवर्क ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ये राउटर फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है जो आज के जमाने फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेटअप ऑफ दिस राउटर। तो चलिए इस राउटर को सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम पावर अडैप्टर कनेक्ट करेंगे, पहले चेक कर लीजिए कि ऑफ है, पावर लगाया हमने। जैसे ही आप राउटर को पावर अडैप्टर से कनेक्ट करते हैं पावर की लाइट चालू हो जाती है। आप देख सकते हैं छोटी सी ग्रीन लाइट जल रही है और ये इंडिकेटर्स एक ही करके जैसे जैसे हम कनेक्शन करते जाएंगे बाकी लाइट भी चालू हो जाएगी। तो राउटर थोड़ा टाइम लेता है पावर ऑन होने के लिए। अब जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक है LOS। LOS का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने भी राउटर से कोई पॉन कनेक्शन नहीं कर सका है, जाकि हमने ऑप्टिकल फाइबर की केबल नहीं लगा रखी है। इसका मतलब है कि अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है राउटर को। बेसिकली इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने केबल ही कनेक्ट नहीं कर रखी या तो आपकी केबल कहीं में ब्रेक हो गई है, मतलब इंटरनेट नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं 2.4G और 5G की लाइट भी ऑन है, इसका मतलब है राउटर के दोनों एंटेना बल्कि चारों एंटेना काम कर रहे हैं, बोथ 2.4G एंड 5G एंटेना। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड इट टर्न्स ऑन व्हेन द इंटरनेट कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड।
बाकी जो लाइट है लैन वन लैन टू, अगर आप यहाँ पे लैन के पोर्ट में लैन केबल कनेक्ट करेंगे जो हम करके बताएंगे आपको, तो ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। और लास्ट लाइट है फोन की, जैसे ही आप फोन के कनेक्शन को FX पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो ये फोन वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो हम आपको आगे लैन केबल से कनेक्ट करके बताएंगे और Digisol के वेब पेज पे 192.168.1.1 पे कैसे राउटर को पूरा सेटअप कन्फिगर करेंगे वो बताएंगे। तो हमने लैन वायर को हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, अब लैन को हम लैन टू या लैन वन पोर्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे। हमने लैन टू पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे देख सकते हैं लैन टू की लाइट कनेक्ट हो गई है। लैन टू की लाइट अब ब्लिंक कर रही है, इन्फॉर्मिंग कि लैन टू का कनेक्शन हो चुका है। जैसे कि आपने देखा हमने Digisol 5G से हमारे नेटवर्क लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया है। यूजर नेम एडमिन है एंड पासवर्ड है Digisol@321, जिसमें डी कैपिटल है। यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं और अपने राउटर का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप चालू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी इन्फो के अंदर में डिवाइस का इन्फो मिल जाता है। जो हमारा डिवाइस का मॉडल है DG GR6821AC, वो राउटर का वजह आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क में जाके वैन कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने कनेक्शन का नाम, IP वर्जन, बहुत सारी चीजें कंफिगर कर सकते हैं। इसके अलावा नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है। ये जो यहाँ पे यूजर नेम देख रहे हैं, This is PPOV username and password, and this is valid only for establishing internet connection. Client devices, if they want to connect to the Wi-Fi, they need to use the SSID password, which is 1234567 8. Post which they will be able to access internet connections. Disable LAN DHCP भी कर सकते हैं। एक बार सेटिंग सेट हो जाए तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। टाइम टू टेस्ट द 5G Wi-Fi स्पीड एंड द 2G Wi-Fi स्पीड। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने हमारा डिवाइस सेलेक्ट किया, डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद स्पीड तो 300 Mbps से ज्यादा ऊपर आ रही है, पिंग भी बहुत कम बता रहे हैं और डाउनलोड अपलोड के लिए वेट करते हैं कि डाउनलोड और अपलोड की एग्जैक्ट Mbps में क्या स्पीड है। डाउनलोड की स्पीड आई है 309.86 Mbps। अब अपलोड का टेस्ट हो रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 300 ही है, 301.76 Mbps। जैसे आप देख सकते हैं राउटर 1200 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, बट क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन इतना सपोर्ट कर रहा है, 300 Mbps की आपको स्पीड मिल रही है यहाँ पे। और अब टाइम है IT वॉइस स्केल रेटिंग्स का, जिसमें हम कभी झूठ नहीं बोलते। मार्केट में अवेलेबल दूसरे राउटर्स के कंपैरिजन में Digisol का XPON ONU 1200 Mbps वाईफाई राउटर काफी कंपेटिटिव है। ये राउटर फाइबर कनेक्शंस के लिए बेस्ट है और उसका सेटअप भी काफी है। जैसे आपने देखा Digisol XPON ONU राउटर को हम दे रहे हैं 4.5 out of 5 stars। इसकी हाई स्पीड परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और ईज ऑफ यूज इस प्राइस में काफी एक्सेप्शनल है। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।